सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब आज का प्रेफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी आज का टॉपिक रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एक काफी बेहतरीन राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन रहा है पिछले 10 से 15 दिन का, और कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद फाइनली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। तो इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 5738 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 5940 के और स्टॉप लॉस रहेगा 5640 के। ओके चलिए ये हो गई अमित सेठ जी की पिक का। आशीष भेती को जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। आशीष जी आज की अनुज जी आज की टॉपिक रहेगी जीएनएफसी में। कल एक अच्छा मूव देखने मिला, 4.5% का स्टॉक का मूव था। ओआई वॉल्यूम में भी हमने देखा, ओआई में भी एक 9% का इजाफा था। डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अप थे इसके। जो मई का है ये स्टॉक वापस अब उन लेवल्स पे अप्रोच कर रहा है, और जिस हिसाब से कल मारी बाजू कैंडल बना है वो काफी इंप्रेसिव है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिस हिसाब से कॉस्टिक सोडा में सर्ज आया है, ऑलमोस्ट 42% का मूव पिछले एक महीने में देखने मिला है। मुझे लगता है कि अब इन स्टॉक्स कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरर्स पे स्पेशल ध्यान रहना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 640 का एक एसएल मेंटेन करके खरीदारी की सलाह है, फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 670 एंड सेकंड टारगेट जो है 684 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स जीएनएफसी है बहेती साहब के रडार पे। कल अच्छे मूव्स बन रहे थे और तेजी तूल पकड़ेगी। ये इसका एक्स डिविडेंड आना है मंडे को मेरे ख्याल से 30 रुपए का, उससे पहले ये तेजी पिकअप हुई है। खैर जीएनएफसी में खरीदारी, और एक ये हो गया आज स्पेसिफिक सारे ट्रेड्स। अवस्थी साहब के पास चले कोलकाता वापस और जाने फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है। अवस्थी साहब गुड मॉर्निंग, क्या स्टॉक रडार पे है सर? सुप्रभात जी गुड मॉर्निंग। एल्केम लैब्स हमें लगता है एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है यहाँ से। कंपनी देश की फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी में गिनी जाती है। काफी पुरानी कंपनी है, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इनके पास हैं जिस स्पेस में ये प्रेजेंट हैं, एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रो, एंटी इन्फेक्टिव्स, पेन एनाल्जेसिक्स, बहुत सारी जगह पे इनकी टॉप रैंकिंग है। और यूएस बिजनेस में काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। कुछ नॉन प्रोडक्ट्स भी हैं, पैन 40, क्लैवम, टैक्सिम, ऑनडेम, ये सब जानी मानी ए टू जेड टैबलेट्स, ये सब जाने माने प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग रखते हैं बाजार में। और इसके अलावा हमें लगता है जिस तरीके से कंपनी ने एक्सपैंड किया है यूएस में और यूएस के अलावा बाकी बिजनेसेस में, यूएस में ऑलरेडी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट पिछली तिमाही में देखने मिली है, और उससे भी बढ़िया इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे यूएस के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपनी ने फोकस किया है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वहां पे भी काफी बढ़िया ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। यूएस में जिस तरीके से उनके एनडीए अप्रूवल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने लगभग 175 अप्रूवल्स के लिए फाइल किया था, 128-130 अप्रूवल्स उनके पास हैं, तो कन्वर्जन काफी स्ट्रॉन्ग है। 50-60 प्रोडक्ट्स पे कंपनी और एनडीए अप्रूवल्स पे काम कर रही है जो आने वाले समय के लिए ग्रोथ को मेंटेन करेगी। पिछली तिमाही में भी कंपनी ने अपनी पोजिशनिंग इम्प्रूव की है और बहुत सारे सेगमेंट्स में उनकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, तो वहां में लगता है आने वाले समय में भी ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी यूएस और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। और जो डोमेस्टिक ओवरवेट अभी है लगभग 60-65% ऑफ सेल्स है, वो ग्रेजुअली थोड़ा सा कम होना चाहिए इंटरनेशनल ग्रोथ की वजह से। यूएस में जो डाउन ट्रेंड था वो लगभग अरेस्ट हो गया है प्राइसेस में, तो उसका भी फायदा कंपनी के नंबर्स में आने वाले समय में दिखना चाहिए। 100 बेसिस पॉइंट जैसी इंप्रूवमेंट आपको मार्जिन्स में देखने को मिलनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि 12-15% टॉपलाइन ग्रोथ अगले 2-3 साल में कंपनी लॉक इन कर लेगी, और 22-25% जैसी अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। तो FY26 में 200 रुपए के आसपास की अर्निंग और 25 का मल्टीपल, तो 5000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एल्केम लैब्स। अरे वाह, ये है फंडामेंटल बाय आइडिया, लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमाने का रखता है दमखम। 3700-3750 पे चल रहा है, 5000 के लक्ष्य है आने वाले समय के लिहाज से। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।